हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आगे कौन वीडियो के साथ वापस। तो आज की इस वीडियो में मैं फिर से करने जा रहा था सोलो वर्सेस स्क्वाड भाई, रात के 1:20 पे। अब भाई मेरा टाइम ही रात के 12 बजे के बाद लगता है, क्योंकि दिन में तो मैं किसी ना किसी काम में मैं फंसा ही रहता हूँ कन्फर्म, ठीक है, लेकिन रात में मेरा टाइम लगता है। तो आपको पता ही है 12 बजे की बाद की लॉबी कैसी होती है, और जहाँ पे मैंने स्टार्ट कर लिया भाई सोलो वर्सेस स्क्वाड। चलो देखते हैं कैसा मैच जाएगा, प्लीज एंड तक देख लेना, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अब भाई सबसे पहले तो मैं उतरने वाला था मिल में। अब मिल की साइड से प्लेन निकल रहा था, तो मैं सोचा कि मैं मिल पे जंप करूँगा, और मेरे को ये बात कंफर्म थी कि भाई मिल पे कम से कम 2 स्क्वाड तो आराम से आएंगी। भाई 2 छोड़ो 3 आ गई। अब भाई मैं थोड़ा सा लेट उतरूंगा, क्योंकि दूसरों बंदों के पास शायद फाइल को वगैरह भी होगा, और मेरे से पहले भाई सामने एक लड़की को गन मिल गई भाई, और मैं जहाँ पे पहले ही मरते मरते बचा। अब जहां पे भाई इस लड़की को किसी ऊपर वाले बंदे ने डैमेज कर दी थी, ठीक है, मैंने 1-2 गोली मारी, मेरे को किला गया। अब मेरी किस्मत फिर से चमकी, एक बंदा सामने नॉक पड़ा था, मैं भाग के गया और उसको फिनिश करके आ गया, तो मेरे टोटल किल हो गए यहां पे 2, ठीक है। अब ऊपर वाले बंदे ने मेरे पे ACSC का एक शॉट मारा, और मेरी हेल्थ भाई बिल्कुल पास में लग गई थी। अगर वो एक और मार देता तो मेरा मैच यहीं पे खत्म होने वाला था, लेकिन किस्मत भरोसे मैं जल्दी टाइम पे पहुंच गया भाई कवर में। अब ये ओपन में खड़ा था भाई, बिल्कुल ओपन में खड़ के किसी पे फायर कर रहा था, लेकिन इसका हेड थोड़ा सा मेरे को दिख रहा था, मैंने एम लिया, इसका हेड खत्म किया भाई, तोड़ दिया पूरा माथा इसका। उसके बाद भाई मेरे टोटल हो गए किल 3। अब मैं जहां पे लूट कर रहा था, तभी मेरे को भाई एक बंदा भागते हुए दिखा मिल से, मैंने ACSC से उसको लिटा डाला और इसको फिनिश भी कर दिया, तभी इसका टीम पार्टनर मेरे पे सीधा रश करेगा। अब उसको खत्म करने के बाद मैं मिल से भाग के इधर को आ गया, इधर क्योंकि फायरिंग हो रही थी, तो मैं भाग के इस घर में घुस गया, और जहां पे मेरे को मिला एक बंदा जो भाई ऑफलाइन लग रहा था। अब इसको खत्म करते ही सामने से मेरे को एक बंदा भागता हुआ दिखा, जिसके हेड मार के मैंने उसको फिनिश कर दिया। इन दोनों को खत्म करने के बाद भाई मैं भाग के गया बेंडिंग मशीन की साइड, और जहां पे मेरे को काफी बंदे मिलेंगे भाई, जहां पे पूरा घमासान युद्ध चलने वाला है। पहले तो मेरे को एक बंदा यहां पे दिखा, ओके इसको खत्म करने के बाद टोटल किल हो गए थे भाई मेरे 8, और सामने एक बंदा भाई मेरे पे फायर कर रहा था, लेकिन उसका हेड दिख रहा था, मैंने एम लिया, बंदा खत्म कर दिया। अब मैंने जहां पे मिशन लिया, तो भाई एक मिशन वाला भाई पहले तो दूर था, जोन की साइड था, वो भाग के मेरे घर में आ गया। अब इस बंदे को खत्म करने के बाद मैं ऊपर गया, हील किया, और नीचे आके मैंने मिशन ले लिया, और जहां पे एक बंदा आ गया भाई मेरे पे रश करने के लिए, लेकिन अपने टीम पार्टनर को साथ लेकर आया, अकेला नहीं आया। अब भाई मेरे को उनके पैरों की आवाज एग्जैक्ट आ रही थी, मेरे को सब कुछ पता चल रहा था वो बंदे कहाँ है। अब देखो मेरे को दिख तो नहीं रहे, लेकिन मेरे को पता है कि वो लेफ्ट साइड में, क्यों, क्योंकि मेरे को उसके पैरों की आवाज आ रही है। अब भाई मेरे पास हेडफोन ही ऐसे हैं, अगर आपको वही चाहिए तो भाई एफिलिएट लिंक है मेरा नीचे, मेरे को थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, प्लीज चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मैं प्रमोशन तो नहीं कर रहा, लेकिन मेरे को हेल्प जरूर होगी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है। अब भाई मेरे को एग्जैक्ट इन दोनों की लोकेशन पता थी, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं बेचारे फालतू में, ये भी मारे गए, ठीक है, ये तो सोच रहे थे कि मैं ऊपर हूँ, लेकिन मैं नीचे था, और मेरे को इनकी लोकेशन पता थी भाई कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ को घूम के आ रहे हैं, ठीक है। अब मैंने एक का मिशन लिया हुआ था, भाग के मैं इस साइड आ गया, मेरे पास भाई अभी स्कार थी, क्योंकि मेरे को ACSC चलानी अच्छी नहीं लग रही थी, मैं AR गन यूजर हूँ, ठीक है। अब फाइनली भाई आधा मैच निकलने के बाद मेरे को इस बंदे के पास से AK मिली भाई, इतना कम ड्रॉप रेट यार AK का, भाई क्या बताऊं भाई, मिलती ही नहीं है यार कहीं पे भी। अब फिलहाल के लिए हमको मिल गई, अब तो भाई तबाही आने वाली थी, मेरे को कंफर्म पता था कि बुया मेरे हाथ से नहीं जाने वाला अभी, लेकिन फिर भी क्या क्या हुआ भाई देखना। लास्ट तक बहुत बंदे अलाइव थे भाई, लास्ट जोन में मेरे साथ बहुत, मतलब क्या बोलूँ अभी, छोड़ो आप देखोगे तभी आपको पता चलेगा, ऐसे मजा नहीं आएगा नहीं तो। अब फिलहाल के लिए सामने एक बंदा था, जिसके भाई मैंने हेड पे रख के एकदम गोलियां चलाई थी, लेकिन AK की
रिकॉयल की वजह से उस पर नहीं लगी, ठीक है। एम तो जा रहा था थोड़ा बहुत, कभी कभी जा भी रहा था, कभी कभी नहीं भी, लेकिन रिकॉयल की वजह से वो बच गया। लेकिन दूसरी बार वो जब वो ओपन में आया तो हेड वगैरह मार के मैंने उसको ख़त्म कर दिया। अब उसका टीम पार्टनर भाई सीधा आके उसको रिवाइव करने की ट्राई कर रहा था, लेकिन मैंने पहले ही फिनिश कर दिया। अब मेरे पे भाई वो ओपन में आके फायर कर रहा था, बताओ। अब इस बंदे के पास एक ही ग्लू वाल थी, भाग के कवर में जा रहा था। अब तेरे पास अगर ग्लू वाल ही नहीं है, तेरे को पता है तू मरने वाला है, तो क्यों फायर कर रहा भाई क्या बताऊँ अभी। चलो इसको खत्म करने के बाद टोटल किल हमारे हो गए थे 16 भाई। रात की लॉबी है भाई 1:30 बजे की, ये तो सोचने वाली बात है। अब सामने एक बंदा रिवाइव होकर उतरा था, और इसके हेड देखना भाई अभी। भाई साहब मैं सच में खुद में हैरान हो गया था कि ये कैसे लग गया, तुक्का लगा था भाई, सीरियसली बोल रहा हूँ, कोई ऐसा मैं अपना वो नहीं करूँगा। अब देखो मैं सीधा जा रहा था, तभी मेरे को किसी के पैरों की आवाज़ आई पीछे से। भाई बंदा कितनी दूर है, सीरियसली बैक करके देखो दोबारा, भाई बंदा कितनी पीछे था, मेरे को किसी के पैरों की आवाज़ आई पीछे से। तो मैंने एकदम मुंह घुमाया, एकदम ड्रैग किया अपनी गन को, भाई बंदे के हेड हेड मार के खत्म। अब ये भी भाई मेरे हेडफोन की बदौलत हुआ सब कुछ। लेना चाहते हो तो ले सकते हो भाई, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, जस्ट मैं एग्जांपल, मेरे को अच्छी लगी ये चीज़ें तो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप गेम प्ले को थोड़ा सा सुधारना चाहते हो, नहीं ऐसा कोई फोर्स नहीं है सीरियसली, लेकिन हाँ वो भी मैं बता सकता हूँ कि मेरे को भाई हेल्प ज़रूर हो सकती है अगर आप लेना चाहते हो तो मेरे लिंक से लोगे तो, ठीक है। अब फिलहाल के लिए भाई जोन के बाहर लेफ्ट साइड से कोई बंदा फायर कर रहा था, तो मैंने सोचा कि भाई इस साइड कोई ना कोई बंदा होगा, मैं उसको ख़त्म करूंगा। एक बंदा था भी, वो नॉक पड़ा था, मेरे को लगा भाई वो हील कर रहा है, बाकी जोन में आएगा, जब जोन में आएगा मैं उसको ख़त्म करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है, वो बंदा नॉक पड़ा था और वो फिनिश हो गया भाई, अपने आप एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब सामने दो बंदे थे भाई, अब दोनों में से जो लाल ग्लू वाला है भाई, ये बिल्कुल मेरे सर पे चढ़ के मेरे को मारने की ट्राई करेगा, लेकिन कौन मरेगा आप खुद देख लीजिए। भाई इस बंदे ने तो सरप्राइज ही दे दिया था भाई, शॉर्टी लॉन्च पैड लगा के मेरे मुंह पे चढ़ गया था। अगर इसके हाथ में शॉर्ट रेंज गन होती तो मेरी कहानी यहाँ पे खत्म होने वाली थी, लेकिन फिर से मैं बच गया, ठीक है। किस्मत भाई किस्मत, और ऊपर से उसकी गलती बंदे की, और ये बंदा भाई मेरी ग्लू वॉल के नीचे से मेरे को मारने की ट्राई कर रहा था, लेकिन भाई 13 से 4 गुना ज़्यादा तेज हूँ मैं, स्काइलर का सरप्राइज अटैक देकर इसको ख़त्म कर दिया भाई। अब टोटल 20 किल हो गए थे हमारे, दो बंदे बच रहे थे भाई, ठीक है। अब मेरे को दोनों की लोकेशन नहीं पता थी, मेरे पास टाइम भी नहीं था क्योंकि जोन मूव कर रहा था कि मैं मक्खी छोड़ के उनकी लोकेशन पता कर लूं। मैंने सबसे बेटर समझा कि पहले जाके मैं पत्थर का कवर बनाता हूं। भाई किस्मत भरोसे में जहां पे पहुंच भी गया, बंदे मेरे को ढूंढ ही नहीं रहे, दोनों भाई टीममेट हैं। अब मेरे को एक बंदा दिखा, साथ में इसके दूसरा भी प्रकट हो गया। तो फाइनली गाइस मैंने सोलो वर्सेस स्क्वाड में रात की लॉबी में 22 किल के साथ बुया निकाल दिया। अब कैसी लगी वीडियो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, अच्छी लगी तब भी बताओ, बुरी लगी तब भी बताओ। अगर वीडियो में कोई चेंजेस करवाना चाहते हो तो भाई कमेंट सेक्शन में बता दो कि भाई ये चीज़ चेंज कर दो, आप गलत बोल रहे हो या फिर गाली वगैरह दे रहे हो, कई बार गलती से हो जाती है बंदे से, गलती बंदा ही गलतियाँ करेगा, इंसान ही गलतियाँ करेगा और नहीं। तो अगर गलती होगी हो वीडियो में तो भाई दिल से माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। अगर जहाँ तक आ चुके हो तो भाई दिल से शुक्रिया, अगर वीडियो देख रहे हो जहाँ तक तो भाई दिल से धन्यवाद आप लोगों का सभी का। और हाँ भाई बस कमेंट करते हुए जाना, और तो कुछ नहीं बोलना मैंने को। हाँ अगर ज़्यादा ही पसंद आ गई हो वीडियो तो भाई सुपर थैंक्स का ऑप्शन है, कर दिया करो यार, जिसके तय की हो, ठीक है, मन में मत रखा करो, मैं नहीं बोलूँगा चलो जो भी था आज, अगर तो आज की जी वाली वीडियो आपको पसंद आएगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।